वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। यही वीडियो रे फ्रेंड्स हमें डिस्कशन करिबा टेबल रो फंक्शनालिटी उपरे। सो टेबल रो टेबल टूल्स उपरे हमें डिस्कशन करिबा। सो टेबल टूल्स रो लेआउट लेआउट ऑप्शन बा लेआउट टैब्स उपरे हमें डिस्कशन करिबा। सो बिफोर स्टार्ट जदि मोर चैनल एवं वीडियोस गुरा भल लागुची सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ए वीडियो रे हम डिस्कशन करिबा जे ए लेआउट ऑप्शन बा लेआउट टैब्स हम पके जो अवेलेबल अछि ए लेआउट टैब्स रे हम पके रे गोटे ऑप्शन अछि सॉर्ट। ए सॉर्ट माने कोन ना मो पके रे गोटे टेबल अछि एंड ए टेबल्स रे एटी गोटे स्टूडेंट मानकर इन्फॉर्मेशन अछि। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम रे रोल नंबर अछि, सेकंड कॉलम रे नेम अछि, देन अलगा कॉलम रे अलग अलग सब्जेक्ट रो मार्क अच्छे। तो मुझे चाहूँ ए इनफॉरमेशन गुरा नेम वाइज सॉर्टिंग हो बट ये रोल नंबर वाइज बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग ही अच्छे। मुझे चाहूँ को नेम वाइज सॉर्टिंग करिया पाए तो मुझे कौन करी भी? ना आगे टेबल को सिलेक्ट करने भी देन सॉर्ट ऑप्शन क्लिक करी। तो ये सॉर्ट ऑप्शन ऊपर क्लिक कला परे ये सॉर्ट बाय मतलब देखे दबो रोल नंबर नेम फिजिक्स केमिस्ट्री तो जो मो कॉलम नेम गुरा दे थी भी तो से कॉलम नेम गुरा मते थे शो करिवो। तो बाय डिफॉल्ट तो रोल नंबर अनुसार तो अच्छी मु जदि नेम कर देबी देन एटा टेक्स्ट हे जिवो। त माने टेक्स्ट वाइज मींस आगे अल्फाबेट रे ए आसीबो तापर बी आसीबो तो अल्फाबेटिकली नंबर वाइज से मते कोन कर देबो सॉर्टिंग करिके दे देबो। तो एटि मु आइदर असेंडिंग रे सॉर्टिंग करे दैट मींस आगे ए आसीबो तापर बी आसीबो और डिसेंडिंग रे कले फर्स्ट जेड आसीबो तापर वाई देन डब्ल्यू एमती तळु ऊपरक आसीबो। तो एटि असेंडिंग ऑर्डर रे मु जदि करिकि देखिबी ओके एटि देखि परिबा रोल नंबर 1 अछि अर्जुन, रोल नंबर 7 पळे आसीला काहेकि ना ए परे जे आसीबो, तापर रोल नंबर 3 आसीला पी, तापर 6 आसीगला आर। देखंतु आर भितरे पुणि तीन जण आर अछंती से 6 टा प्रथम आसीला बिकॉज आर परे सेकंड रे ए अछि, पुणि फिफ्थ रे अछि आर परे आई, आई पुणि दी तरह आसीला, पुणि आई परे टी फर्स्ट आसीबो देन आई परे वाई आसीबो। तो एई भली भाबरे ये अरेंज हे के रहिबो। सो एबे आमे देखिले जे केमते आमे सॉर्ट करि परुछे। सो एबे गोटे नंबर रे सॉर्ट कर सपोज फिजिक्स कोन हिच ना फिजिक्स टा मार्क वाइज अछि। सो आमे चाहिले एको मार्क वाइज जतळे फिजिक्स सिलेक्ट करली ना सेतळे बाय डिफॉल्ट टाइप नंबर हे गला। तो एटि जे तुम फिजिक्स रे ओके नॉन कर दिए तो एटि फिजिक्स रे जतळे मु सिलेक्ट कर देली तो एटि मोर बाय डिफॉल्ट कोन हला ओके जदि क्लिक करबी देखंतु 45 आगे असेंडिंग ना आगे छोट रहिबो तापर बड बड एंति हे कि चली। तो छोटरु बड क्रमे मते शो करिबो बा मते एटि शो करूची आगे 45 तापर 46 47 अकॉर्डिंग टू फिजिक्स रो डाटा से कोन करूची ना सब टेबल रो डाटा को छोटरु बड क्रमे सजे कि रखि दउ छी। त हमें एक ना ए रिजल्ट बा ए टेबल रो रिजल्ट पाई पर छी। त हमें देखिले जे एटि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर रे डाटा सजे परिबा टेबल रे ओके फ्रेंड्स। तो एबे हमें देखिबा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करिबा कन्वर्ट टू टेक्स्ट करले कोन हबो ना आमे ए जो टेबल रे थिबा डेटा बा इन्फॉर्मेशन अछि आको मु पैराग्राफ कर परि। तो पैराग्राफ मार्क जदि करिबे ना मो बाय डिफॉल्ट एमथि लेखा है कि पळे आसला अपरे आको कॉपी पेस्ट करी यूज कर परिबे। अदरवाइज मु कोन कर परिबे ए इन्फॉर्मेशन को अलगा फॉर्मेट रे रखि परिबे जेंति कि टैब्स माने स्पेस छाडी छाडी के एवं ए इन्फॉर्मेशन को पछरे यूज कर परिबे कॉपी करके यूज कर परिबे नहले मु आको लेआउट को जाय कि कन्वर्ट टेक्स्ट रे कमास फॉर्मेट रे रखि देले। तो एबे देखिबा मो पके जो इन्फॉर्मेशन आसीला ना कमा हिसाब रे आसीला फर्दर एको मु कॉपी करके पैराग्राफ वाइज यूज कर परिबे। तो मु जानि पाइबी बा मु यूज कर परिबे ए सब इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ रे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट ले। देन आमे सिखिबा रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर हेडर रो माने कौन सपोज मो पाखरे इथि इंसर्ट करिबा गोटे रो को एंड मु इथि रिपीटेडली इंसर्ट करी करी चलली टेबल टा टिक तळ को नै आसु। अच्छा एबे देखिले
ଟେବୁଲଟା ମୋର ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ମଲ୍ଟିପଲ ରୋ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଇନସର୍ଟ କରିବି, ଇନସର୍ଟ ଇନସର୍ଟ ରୋଜ ବିଲୋ, ଏଠି ତଳକୁ ଇନସର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ, ଇନସର୍ଟ ରୋଜ ବିଲୋ, ଏମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇନସର୍ଟ କରି କରି ଚାଲିଲି, ଇଏ ତଳକୁ ତଳ ଇନସର୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ତ ମୁଁ ସପୋଜ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନଟାକୁ କପି କରିନେଲି, ଏଗେନ୍ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କଲି, ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, ଏବେ ସରିଗଲା ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି 7 ପରେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଗେନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ 8 କରୁଛି, ଏଟା 9 କରୁଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ 10 କରୁଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ 11 କରୁଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ 12 କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ 13, ଦିସ୍ ଇଜ 14। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ରିପିଟ ହେଡର ଦେଖ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଦୁଇଟା ରୋ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଦୁଇଟା ରୋ ରିପିଟ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ରୋ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଦେନ୍ ରିପିଟ ହେଡର କରିଦେଲି, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ମୋର ସେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ ସେ କୋଉଠି ନା ଟେବୁଲରେ ରିପିଟ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଇନସର୍ଟ କରିବି, ଇନସର୍ଟ ରୋ ବିଲୋ, ଏବେ ଇନସର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଣ୍ଟର କରି କରି ଚାଲିବି ତାପରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ହେଡିଂକୁ ରିପିଟ କରିପାରିବି ଥ୍ରୁ ରିପିଟ ହେଡର୍ସ ରୋରେ। ସୋ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।